1666 में आज एक दिन छत्रपति शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार हुए थे। मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र को मुगल शासक औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था। रतनगढ़ के किले और मंदिर में मिले अभिलेखों के मुताबिक इसी दौरान समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी व उनके पुत्र को यहाँ से रणनीति बनाकर आज़ाद कराया था। गुरु रामदास की योजना के मुताबिक औरंगजेब को भेंट के तौर पर फलों की टोकरियाँ भिजवाई जाती थी। गुरु जी ने भी यह सिलसिला अपने एक भक्त के जरिए शुरू कराया। मुगल सेना का विश्वास जीतने के बाद उस भक्त ने एक दिन दो बड़ी टोकरियां भेजी। खाली होने के बाद इन टोकरियों में शिवाजी और उनके पुत्र को बिठाकर बाहर लाया गया। 1918 में आज एक दिन भोपाल में भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री खुशी लाल शर्मा एक वैद्य थे। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जो अपनी विद्वता, सुदीर्घ राजनीति, सूझबूझ, समर्पण और देश प्रेम के बल पर भारत के राष्ट्रपति बने। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लिया था। शंकर दयाल शर्मा ने 1992 में भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण किया था। 1949 में आज के दिन भुवनेश्वर को उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। भुवनेश्वर को पूर्व का काशी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा है। प्राचीन काल में 1000 वर्षों तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा है। बौद्ध धर्म की तरह जैनों के लिए भी यह जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश का एक प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल हुए थे। इसी तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार भुवनेश्वर वर्तमान में एक बहुसांस्कृतिक शहर है। ओडिशा की इस वर्तमान राजधानी का निर्माण इंजीनियरों और वास्तुविदों ने उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर किया है। इस कारण नया भुवनेश्वर प्राचीन भुवनेश्वर के समान बहुत सुंदर और भव्य नहीं है। और 1960 में रूस ने अपने स्पुतनिक 5 अंतरिक्ष यान से 2 कुत्तों और 3 चूहों को अंतरिक्ष में भेजा था। ये जीव 24 घंटे अंतरिक्ष में रहकर सकुशल धरती पर वापस आ गए थे। कुत्तों का नाम वेल्का और स्टेरिलका था, जिन्हें शहर की सड़क से उठाया गया था। बाद में स्टेरिलका को 6 पिल्ले हुए। स्टेरिलका के नर का नाम पुशोक था, जिसे कभी अंतरिक्ष तो नहीं भेजा गया पर अंतरिक्ष से जुड़े कई जमीनी प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। स्ट्रेलिका के एक पिल्ले का नाम पुशिन का रखा गया, जिसे बाद में रशियन प्रीमियर निकिता रश्केव ने 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की बेटी कैरोलीन को भेंट कर दिया।